हे गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं मैगी नूडल्स मसाला, जिसे हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। वैसे तो मैगी बनाना सबको आती है, बट आज हम थोड़ी डिफरेंट स्टाइल में इसे बनाएंगे, जो कि बहुत ही हेल्दी होने वाली है, क्योंकि ये सब्जियों से बनी होगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने रसोई टिप्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले मेरे जो भी सारे वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ मैगी का एक बड़ा पैकेट ले लिया है, उसे हम निकाल लेते हैं। इसमें चार पीस होते हैं, तो मैंने देखिए एक पीस निकाल के हमें इसके चार टुकड़े कर लेना है, इस तरह से, जिस तरह से मैं वीडियो में बता रही हूँ। इसी तरह से देखिए, मैंने पूरी मैगी को इस तरह से तोड़ लिया है और इस तरह के छोटे छोटे टुकड़े मैंने कर लिए हैं। अब मैंने यहाँ रख लिया है एक पैन। पैन में मैं यहाँ 6 चम्मच तेल डाल दूंगी और उसे गर्म होने रख देना है। हम थोड़ा सा जीरा डाल के देखेंगे हमारा तेल गर्म हुआ है कि नहीं। और देखिए गर्म हो गया है, तो मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 चम्मच जीरा, 7 से 8 मीठी नीम की पत्तियाँ, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। उसके साथ साथ मैं यहाँ 3 मीडियम साइज प्याज बारीक टुकड़ों में कटा हुआ, वो भी इसमें डाल देती हूँ। और इसको अच्छी तरह से सॉटे कर लेना है हमें 2 मिनट के लिए। और अभी आप देख सकते हैं 2 मिनट हो गए हैं, तो मैं यहाँ 2 हरी मिर्च डाल रही हूँ, जिन्हें मैंने बारीक काट लिया था। उन्हें भी अच्छी तरह से मिक्स करना है हमें 2 मिनट के लिए। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 शिमला मिर्च, जिन्हें मैंने बारीक काट लिया था। उन्हें भी मैं इनमें मिक्स कर दूंगी और अच्छी तरह से इन्हें चला लेना है। जब तक कि हमारी शिमला मिर्च सॉफ्ट नहीं हो जाती, हमें इसी तरह चलाते रहना है। आप इसकी जगह मटर भी डाल सकते हैं, गाजर भी डाल सकते हैं, या फिर जो पत्ता गोभी होती है वो भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। जो भी आपको पसंद हो वो सब्जी आप इसमें डाल सकते हैं। और आप देख सकते हैं, अभी हमारे जो प्याज है उनका कलर चेंज हो गया है और शिमला मिर्च भी सॉफ्ट हो गई है। थोड़ा सा और हमें चला लेना है। अब मैं यहाँ डाल दे रही हूँ 2 आलू, जिन्हें मैंने काट लिया था, ये उबले हुए नहीं हैं, तो इन्हें भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ी देर चलाने के बाद आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो रहा है। अब हमें इसे ढक के पका लेना है। तो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ इस पर एक प्लेट लगा दी है और अब हमें इसे 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर इसे ढककर पकाना है। तो अब 5 मिनट हो गए हैं, हम इसे खोल के देखेंगे। और देखिए हमारे आलू हैं वो आधे पक गए हैं, इसे एक बार और चला देते हैं हम। देखिए मैं देख रही हूँ तो थोड़े से कच्चे लग रहे हैं मुझे, तो अब मैं वापस से इसे ढक दूंगी। और अब मैं यहाँ डाल रही हूँ 1/4 चम्मच नमक, इसे भी इसमें मिक्स कर देना है और चला लें अच्छी तरह से, ताकि जो आलू है उनमें अच्छी तरह से नमक अंदर चले जाए। और इसको अभी हमें वापस ढक के पकाना है, तो इनको मैं थोड़ा सा चला लेती हूँ, ताकि जो हमारे आलू हैं उनमें अच्छी तरह से नमक मिल जाए। अब मैं इसे वापस ढक देती हूँ और 5 मिनट बाद हमें वापस इसे निकालना है। तो 5 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसे खोल के देख लेती हूँ। और आप देख सकते हैं हमारे आलू हैं वो पक गए हैं। अब मैं यहाँ डाल दे रही हूँ 2 मीडियम साइज टमाटर, जिन्हें मैंने काट लिया था बारीक टुकड़ों में, आप देख सकते हैं। उन्हें भी मैं इनमें मिक्स कर दूंगी और इन्हें भी अच्छी तरह से चला लेना है हमें, जब तक कि जो हमारे टमाटर है वो आधे सॉफ्ट ना हो जाए। मतलब थोड़े सॉफ्ट करना है हमें, उसके बाद हम मसाला डालेंगे, तो आधे जो टमाटर हैं वो उस टाइम पे हमारे पक जाएंगे। तो अब मैं यहाँ डाल देती हूँ सूखे मसाले। तो यहाँ मैंने ले ली है 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर,
आधी चम्मच धनिया पाउडर, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर और इन्हें अच्छी तरह से हमें मिक्स कर देना है। आधी मिनट के लिए हमें अच्छी तरह से इनको चला लेना है ताकि जो मसाले हैं वो आलू टमाटर इन सब में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। देखिए इस तरह से अब जो हमारा टेस्ट मेकर आता है ना मैगी के साथ, हम उसे भी इसमें डाल देते हैं। तो यहाँ मैंने डाल लिए हैं चारों पैकेट, अब इसे भी हमें मिक्स कर देना है। और इसे मिक्स करके बस हमें गैस बंद कर देना है, इसे ज़्यादा नहीं चलाना है, नहीं तो जो टेस्ट मेकर का टेस्ट है वो चला जाएगा। तो अब मैं इसे गैस बंद कर देती हूँ और इसे साइड में रख देती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मैंने यहाँ ले ली है एक कढ़ाई, उसमें मैं यहाँ 3 कप पानी डाल देती हूँ गर्म होने के लिए। मैंने पैन को इसलिए चेंज किया है क्योंकि वो पैन मुझे छोटा पड़ रहा था और कढ़ाई में अच्छे से पानी आ जाएगा, तो आप इसी प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं हमारा जो पानी है वो गर्म हो गया है। तो अब जो हमने जो सब्जियों का मिक्सचर बनाया था ना वो हमें इस पर ऐड कर देना है। और इसे अच्छी तरह से पानी में मिक्स कर दें, देखिए इस तरह से। और अभी आप देख सकते हैं हमारे पानी में उबाल आ गया है। तो मैं यहाँ डाल रही हूँ 1/4 चम्मच नमक और, तो टोटल मैंने यहाँ डाला है इसमें 1/2 चम्मच नमक। तो आप देख सकते हैं अच्छे से उबाल आ गया है। तो मैं यहाँ इसमें मैगी डाल रही हूँ। और इनको अच्छे से पानी में मिक्स कर देना है, देखिए इस तरह से, और थोड़ा सा दबा के ताकि वो पानी में थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो इस तरह से आप पूरी दबा दें उनको, देखिए इस तरह से। और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर दें, देखिए पानी इसमें कम होता जा रहा है अच्छी तरह से। अभी मैंने इसका फ्लेम फुल रखा हुआ है गैस का, और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। ये अच्छे से मिक्स हो गया है तो अब हमें इसे ढक के रख देना है 2 मिनट के लिए धीमी आंच पे। अभी 2 मिनट हो गए हैं तो मैं इसे खोल के देख लेती हूँ। और देखिए गाइस ये बहुत ही टेस्टी लग रही है देखने में ही, तो मैं तो इसे जा रही हूँ खाने। तो आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी है और साथ साथ हेल्दी भी है। और मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। थोड़ा सा इसे चला लेते हैं और अब मैं आपको थोड़ा सा उठा के भी दिखा देती हूँ। देखिए ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है और कितनी अच्छे से हमारी मैगी बनी हुई है आप देख सकते हैं। तो चलिए हम इसकी कर लेते हैं प्लेटिंग। तो मैंने यहाँ ले ली एक प्लेट, उसमें हम मैगी डालेंगे। गाइस ये बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाली है, आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें। तो आप देख सकते हैं ये कितनी खिली खिली बनी हुई है। और अब मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ, देखिए ये गाइस बहुत टेस्टी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और रसोई टिप्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।